वालिये कुल आलम मुजस्मा आपे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे चढ़ बैठे बहुत ही अजीज हाजरी, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। गज के आख्यो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी कौम के उपर वापरे हुए ऐसे वर्तारे का बहुदिशावी चिंतन करने वास्ते एकत्र हुए हैं, जिस दे बारे बहुत सारे भरम भुलेखे सिरजे गए। और इस वर्तारे का जेकर असी बहुदिशावी चिंतन नहीं करते तो इस वर्तारे के प्रति मीडिया के वलों जो कुछ आम जन संधारण की मानसिकता दे विच सिरजिया गया वो किते ना किते साड़ियां रवायती कदरां कीमतां दे नाल मेल नहीं खांदा। जेकर असी पिछले कुछ सालां दे विच ही वेखीए तां सब तो वड्डी साडे सामने इस वर्तारे दे प्रति चुनौती ये सी कि ये वर्तारा है कि असी प्रभाषित ना कर सके। अक्सर तुसी इन्हां 35 सालां दे विच किताबां दे विच अखबारां दे विच वख-वख मीडिया दे विच इस वर्तारे नूं जदों परिभाषित किया जाता सी ते परिभाषा एक नहीं सी। कोई कहिंदा सी कि साका नीला तारा, कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखता सी, कोई कारवाई नीला तारा कहिंदा सी। पर बहुत समय के बाद सानू बहुत ज़्यादा लिखण और मेहनत और बोल बोल के तरद्दद करन तो बाद इस गल नू संतां दे विच प्रचारना पिया कि दरअसल ये है की सी कि यह सिख कौम के उपर वापरिया होया तीसरा घल्लूकारा सी। साका एक वक्री चीज़ है, साके दे विच कदी भी मकतूल दे वल्लों कोई हथियारबंद विरोध नहीं हुंदा। मेरे बहुत इस्तकार जो कौम की मायना सस्ती ज्ञानी रणजोत सिंह हुणा जी दे पासों आप जी गुरु अर्जन साहब की शहादत का वर्तारा सरवण कर रहे सी, वह साका है। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत साका है। सरहंद दे विच छोटे साहबजादियों की शहादत साका है, पर चमकौर साका नहीं है। चमकौर नूं जे तुसी डिफाइन करोगे तो तुहानूं जफरनामे के शब्द वरतने पैणगे, जिथे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस दे बारे साका शब्द नहीं वरतणगे। वो कहणगे चुदीदम बा नाहर बा आमद बा जंग चशीदे जके तीर मन बेतरंग। वो जंग है, चमकौर साका नहीं। साके दे विच चार चीज़ां कठियां हुंदियां ने, फारसी दे चार शब्द ने कतल कातल मकतल और मकतूल। कतल करन दी किरिया है, कातल जिहड़ा उस किरिया नूं करदा है, मकतूल जिस दा कतल कीता जांदा है ते मकतल जिस जगह के उपर कतल किया जाता है। जदों ये चार चीज़ा इकट्ठिया होंदिया ने तो मकतूल जिसका कतल किया जा रहा है उहदे वल्लों किसी तरह की कोई हथियारबंद विरोधता नहीं, तो उत्थे जिहड़ा शब्द प्रगट होंदा है वह है साका। सो जून 84 साका नहीं है और ये कतलेआम भी नहीं है। असी इसनूं कतलेआम का नाम नहीं दे सकते। कतलेआम दे विच भी हथियारबंद विरोध नहीं हुंदा। जदों असी इसनूं डिफाइन करते हैं तो साढ़े सामने साढ़े इतिहास की नज़र दे विच जिहड़ा शब्द आउंदा है वह घल्लूकारा, तो असी इसनूं इतिहास के तीसरे घल्लूकारे के रूप में वेखते हैं। एक कानूआन के शम के होया छोटा घल्लूकारा, उस तो बाद कोपर हीड़े के मैदान के वड्डा घल्लूकारा, तो इस सदी के वापरिया होया यह तीसरा घल्लूकारा। हुण घल्लूकारे नूं परिभाषित किवें कीता जांदा है? घल्लूकारे दे विच जिहड़ी उस दी परिभाषा है, जदों असी अपने इतिहास दे आयन दे विच उसनूं वेखणा है ते कौम दा एक पक्ष किसी भी स्टेट दी नीति जां जुल्म दे खिलाफ संघर्ष करदा है ते स्टेट दे वल्लों उहनूं खत्म करन दे बहाने दे विच अनेकां ही होर बेगुनाह जिहड़े ने उहनां नूं भी कतल कर दिता जांदा है। उत्थे जिहड़ी टर्म बनदी है वह है घल्लूकारा। ये वर्तारा छोटे घल्लूकारे के दौरान भी वापरिया कि सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया
नवाब कपूर सिंह ते सुखा सिंह माड़ी कंबोके इन्हां दी अगवाई विच संघर्षशील शस्त्रधारी योधे गिणती च थोड़े ने ओह तां मैदाने जंग च जूझते जां शहीद हुंदे ने उन्हां दे विचों सरदार गुरदयाल सिंह जी उन्हां दे भरा तारा सिंह जी वह शहादत प्राप्त करते हैं कुछ सिंह निकल जाते हैं पर कानू आन दे शंभ नू अग लगा के जिहड़े सिखां दे परिवार ने बच्चे ने औरतां ने जिहड़े उस हथियारबंद संघर्ष का हिस्सा नहीं उन्हां नू भी खत्म कर दिता जाता है। यही वर्तारा कोपरहीड़े के मैदान दे विच हुंदा है कि सरदार चढ़त सिंह ते सर जस्सा सिंह अहमद शाह अबदाली दीआं फौजां दे खिलाफ जैन खान दे नाल ते भीखन खान दे नाल लड़दे ने पर उस सारी कार्रवाई तो बाद आम जिहड़े परिवार ने औरतां ने बच्चे ने उन्हां दा कतलेआम भी कर दिता जांदा है। सो पहली गल तां इह है कि इस नूं परिभाषित करना बहुत जरूरी है कि इह सिख कौम दे उपर वापरिया होया तीसरा घल्लूघारा है। अगली गल है कि इसका अध्ययन बहुदिशावी चिंतन किवें होवे यह बहुत जरूरी है क्योंकि साढ़े नौजवानों के सामने बहुत सारे सवाल मीडिया के वलों उन्हों की मानसिकता दे पा दिते गए ने। संत जरनैल सिंह ने हरिमंदर साहब नूं क्यों चुनिया, हरिमंदर साहब नूं संघर्ष का केंद्र क्यों बनाया, दरबार साहब की घेराबंदी क्यों हुई क्योंकि अंदर मोर्चाबंदी सी, अनेक सवाल साड़ी सिख मानसिकता के मन के एक मीडिया के वलों पैदा कर दिते गए ने। ते जिन्ना चिर तक तुसी इन्हां सवालों का जवाब अपने विचारधारक पक्ष के विचों नहीं तलाशते उन्ना चिर तक असी लाजवाब हो जाने क्योंकि हर मनुख का किसी भी वर्तारे के प्रति नज़रिया वख हुंदा है ते स्टेट का नज़रिया बिल्कुल वख हुंदा है क्योंकि उहदे कोल मीडिया की ताकत हुंदी है। किसी भी वर्तारे नूं स्टेट ने लोगों की मानसिकता दे विच किवें लैके जाना है स्टेट का उहदे विच बहुत वड्डा रोल हुंदा है पर जिहड़ी पीड़ित धिर हुंदी है जिहड़ी प्रभावित धिर हुंदी है उहदे कोल ना तां स्टेट की ताकत हुंदी है ना उन्ना वड्डा मीडिया हुंदा है। उन्हें यह वेखना हुंदा कि मैं अपनी समूहिक चेतनता दे विच्चों इस वर्तारे नूं किवें प्रदर्शित करना है, लोगों के सामने प्रसारित किवें करना है जां फिर असी प्रभाषित किवें करना है। खलील जिबरान की एक बहुत ही मशहूर किताब है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स दे विच उन्हें एक छोटी जी उदाहरण दिती है उस उदाहरण नूं सानूं समझना पवेगा। कहिंदा है कि अखां कह रही ने सामने पहाड़ है, जदों अखां ने यह गल कही कि सामने पहाड़ है तो कन्ना ने उस वेले कह दिता कि सानू तो आवाज़ सुनाई नहीं दिती। जदों कन्ना ने यह गल कह दिती आवाज़ सुनाई नहीं दिती नाल ही नक बोलिया कि जेकर पहाड़ है मैनू सुगंध नहीं आ रही। उहदी आवाज़ सुन तो बाद जवान ने कहा मैनू तो स्वाद ही नहीं लगा पहाड़ है किहड़ा। पर पहाड़ नूं वेखना नेत्रां दा काम सी, उस तो बाद सारे जिसम की समूहिक चेतनता जिहड़ी है उहदे विच्चों जिहड़ा पहाड़ का रूप है वह पैदा होना, नेड़े जा के पता लगना कि असलीयत की है। दरअसल बिल्कुल इवें दा वर्तारा साडी मानसिकता के उपर सिरजिया गया कि इस वर्तारे की असलीयत असी बिल्कुल अखां तो परोखे की और जो अखां नूं दिसिया सच सी असी समूहिक चेतनता के रूप के कलैक्टिव कॉन्शियसनैस के रूप के उस नूं अपनी मानसिकता का हिस्सा नहीं बनाया। अगला सवाल बहुत अहम है जिहड़ा पैदा हुंदा है ते अक्सर साडे मनां दे विच उस गल नूं सिरज दिता जांदा है, यह सिरजिया जांदा है कि दरबार साहब के अंदर ही इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत क्यों हुई। हुण जरा ख्याल करियो कोई समां सी धर्म के प्रचार और प्रसार का साधन साडियां धर्मशालावां सन जिथे धारण किए गए गुणा नूं सिखाया जाता है उस जगह नूं कहा जाता है धर्मशाल, जिथे पकवान पकाए जाते हैं वह पाकशाल, जिथे पढ़ाया जाता है वह पढ़नशाल। साल का भाव तो जगह है, जिहड़ी धर्म कमाउण की जगह सी किसे समय दे विच धर्मशाल सी, धर्मशाल की जगह गुरुद्वारे लेंदे ने कि गुरुद्वारयां दे विच्चों सानूं धर्म की विद्या मिलती है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी मिलन तों पहलां भी तां गुरु साहिब दे रूप च सी, ते जिस इमारत दे विच गुरु साहिब विचरदे सी उह सिखां दे नज़रिए दे विच गुरुद्वारा है क्योंकि उत्थे गुरु है, वह गुरधाम है गुरु घर है क्योंकि उत्थे गुरु निवास कर रहा है। ते हुण इस वर्तारे दे संदर्भ दे विच जेकर असी आनंदपुर साहब
दे किले चाहे हौलगढ़ की गल होवे, तारागढ़ की गल होवे, आनंदगढ़ की गल होवे, लोहगढ़ की गल होवे, ते की वो हमला जिहड़ा सिख की चेतनता ते नहीं सी कि उत्थे गुरु मौजूद नहीं सी।